लोकशाही मोदी सरकार ने गेल्या 8 वर्षांमध्ये लोकशाहीवरती संवैधानिक संस्थांवरती जे आघात केले त्यातना लोकशाही ही पूर्णपणे आयसीयू मध्ये पोहोचवलेली आहे। आता ही जनतेची त्या ठिकाणी जबाबदारी राहणार आहे की लोकशाहीवरती वेळीच उपचार करावे, मोदी सरकारचा जो आघात आहे त्याच्यावरती वेळीच उपचार करावेत, अन्यथा फार दूर नाही आहे भविष्य की ज्या वेळेला लोकशाहीला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहावी लागेल, कारण हुकुमशाही प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे। महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बदनाम करून अस्थिर करणं हा त्याचा मागचा उद्देश आहे आणि त्याकरता कुठल्याही स्तरावरती मोदी सरकार जात आहे, भारतीय जनता पक्षाचे नेते जात आहेत आणि त्यांना यंत्रणांची साथ आहे। विक्रम वेताळमधला जो ज्या पद्धतीनं आपण ती कथा पाहिली त्याच्यामधला जो वेताळ होता, विक्रमने बोलला की वेताळ पळून जायचा, परंतु हा मोदी सरकारचा जो वेताळ आहे ह्या तिन्ही यंत्रणा मोदी सरकारच्या विरोधात काही बोललं की ते जाऊन त्याच्या गळ्यावरती बसतात, त्यातला आज भाग दिसतो। चंद्रकांत पाटलांचं मला असं वाटतं की मनोरंजनात्मक अशा तरीची विधानं ते करत राहतात। प्रश्न असा आहे की गेल्या 8 वर्षांमध्ये आपण पाहिलं की भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही विधानात केवळ भाजपचे विरोधक आहेत त्यांच्यावरती कारवाई, त्यामुळे हे का होतं हा देखील प्रश्न आता आपल्याला विचारता येत नाही, कारण निश्चितपणे समोरासमोर लक्ष आहे। मला वाटतं की ह्या कारवाई होत आहे। मुझे इसमें दो राय क्या हो सकती है, राजनीतिक एंगल है क्या? पूरी राजनीति ही चल रही है इसमें। गए 8 साल में इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो आघात किया है, इससे मोदी सरकार ने लोकतंत्र को आईसीयू में भेज दिया है। अब ये जनता की जिम्मेदारी है कि ये आईसीयू से लोकतंत्र को बाहर निकालना है, तो मोदी सरकार के जो आघात है, मोदी सरकार का जो अत्याचार है, इसके ऊपर कार्रवाई करें, और नहीं की तो भविष्य दूर नहीं है कि हम लोगों को लोकतंत्र को भावपूर्ण आदरांजलि देनी पड़ेगी। क्या कहना चाहते हैं? ईडी की कार्रवाई हुई है पिछले दो तीन दिन पहले भाजपा के एक नेता है किरीट सोमैया नाम के, उन्होंने दावा किया था कि आने वाले 2-3 दिनों के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के एक मिनिस्टर के घर के ऊपर ईडी की रेड गिरी थी, और आज सुबह 10:30 बजे नवाब भाई के घर के ऊपर ईडी की रेड गिरी। नवाब भाई को सुबह 7 बजे ईडी ऑफिस लाया गया है और अभी तक नवाब भाई को छोड़ा नहीं है। तो ईडी संस्था प्राइवेट संस्था है, ये किसी सरकार के अंडर काम नहीं करती, तो बीजेपी के नेता ये दावे के साथ में कैसा बोल सकते हैं कि कोई मिनिस्टर के ऊपर धार गिरने वाली और वो धार गिरती है, तो ये संस्था कौन चला रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे। और मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव आने वाला है उसमें नवाब मलिक एक सक्षम नेता है हमारे मुंबई के, और उनको पता है अगर नवाब भाई की अगर बदनामी कर दी गई तो मुंबई के बीएमसी में अपना पलड़ा भारी होगा, और यही पूरी एकदम घटिया तरीके की राजनीति बीजेपी सरकार से की जा रही है, और इसका हम जाहिर निषेध कर दे। और अगर आज नवाब भाई को नहीं छोड़ा गया तो इसका करारा जवाब मुंबई विभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ग्राहक संरक्षण विभाग जिला अध्यक्ष के नाते मैं देना चाहता हूँ, और करारा जवाब मिलेगा। और आने वाले 2-3 दिनों में उत्तर मुंबई जिले के जितने बीजेपी के कार्यालय है सबके ऊपर दगड़ फेंक होगी, और ये मैं करूँगा। बीजेपी सरकार को यही कहना चाहूँगा कि आने वाले हफ्ते में अगर आज नवाब भाई को छोड़ा नहीं गया तो आने वाले हफ्ते में बीजेपी के जितने भी नेता है, उत्तर मुंबई के जितने भी आमदार है, नगर सेवक है, खासदार है, उनके ऑफिस के ऊपर उनको करारा जवाब मिलेगा, यही मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। नवाब भाई देखो कैसा है, अभी जो नवाब भाई समीर वानखेड़े का प्रकरण हुआ और 2-3 की जो अभी मैटर हुए उसमें नवाब भाई ने सक्षम तरीके से उनकी बोलती बंद कर दी है, और बीजेपी सरकार की हालत खराब हो गई है, और उनको पता है अगर नवाब मलिक साहब की अगर मुंह बंद नहीं किया गया तो ये अपने को भारी पड़ सकता है, और इसके लिए ये पूरे नीचे स्तर के जाकर राजनीति की जा रही है। नवाब मलिक साहब को पूरा प्री प्लान करके फंसाया जा रहा है। नवाब मलिक साहब का अगर दाऊद उनका क्या कहना है कि दाऊद के साथ में उनका संबंध है, तो आज बीजेपी की सरकार आके 7 साल हो गए, आज तक क्या सोए थे? अगर दाऊद के साथ में उनका संबंध है 7 साल सोए थे क्या कर रहे थे? ये बस चुनावी मुद्दा है, और ये और एक जुमला है, और इसके आगे बस इनका प्री प्लान था, और नवाब भाई को मुंह बंद कर दो, और बीएमसी का जो है उनका प्लान सक्सेसफुल।